डीके दुबे जी, आप एक वकील हैं, आप इस मामले को बहुत बेहतर से समझते होंगे। क्या जितेंद्र आवाड जी ने सही लाइन और लेंथ पकड़ी है या वो क्लीन चिट दे रहे हैं? क्यों ये बद्दो ऐसा करेगा ही नहीं? हमारे एनसीबी के प्रवक्ता ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको अधिकार है। ऐसा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी को भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम तरह की रूलिंग है, यहां तक कि लोअर कोर्ट को अधिकार नहीं कि वो पूछ सके। और किसी भी जांच, जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी को भी उसमें इंटरवेंशन करने का अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं इस तरह के बयान, तो इन बयानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दौरान इंटरवेंशन माना है। इसलिए ये कहना कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट के लिए हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए जनप्रतिनिधि नहीं है कि आप क्रिमिनल केसेस में घुस जाएंगे जाके। इसलिए ये इनका जो स्टैंड है, मुझे लगता है वो स्टैंड बेसिकली गलत है। दूसरी बात ये आती है कि इन्वेस्टिगेशन की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, भाई एक FIR हुई है, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रहे हैं, भाई इतना हौ हल्ला मचाने की भी आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या कन्वर्जन के केसेस होते नहीं है? क्या कन्वर्जन के केसेस आए नहीं है? क्या इस मामले में हमारे यहाँ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में पूरा गैंग सिस्टमैटिक पकड़ा गया था कन्वर्जन के लिए, जो पूरा गैंग था सिस्टमैटिक तरीके से चलाते थे, उस पर एक SIT बिठानी पड़ी थी कि साहब कन्वर्जन चल रहा है। तो ये एकदम अचानक से कह देना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि या तो उनको कोई वहम है या फिर अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर इतना हावी हो चुके हैं कि अब उनको ये दिखना ही बंद हो गया है कि देश में चल क्या रहा है। और गेमिंग ऐप है वो तो सब जगह चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके केवल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा, कहां गाजियाबाद, कहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए ये बयानबाजी शुरू में होना, ये निश्चित रूप से इंटरवेंशन की संज्ञा में आता है। इसको नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपने सवाल कर लिए, इसलिए हमको सवाल करने का अधिकार है। आपको सवाल करने का अधिकार है, आप अपनी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करिए, लेकिन पुलिस के केसेस में आपको इंटरवीन, जांच को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ठीक है, ब्रजमोहन जी से यही सवाल लेते हैं, दुबे जी यही सवाल उनसे पूछते हैं। ब्रजमोहन जी, क्या जांच प्रभावित करने की कोशिश है जितेंद्र आवाड की तरफ से कि भाई सरफराज और बद्दो ने कुछ नहीं किया है, इसको छोड़ दो साहब, ये गलत नैरेटिव बना रहे हैं बीजेपी वाले। दीपक भाई, आदरणीय राम कदम साहब बहुत लोकप्रिय विधायक है महाराष्ट्र के, आप इनसे पूछिए कि अगर इनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति आके इनको अगर ये कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या ये घर बैठेंगे? क्या ये संबंधित व्यक्ति से इतनी जानकारी लेने का हक नहीं रखते जनप्रतिनिधि होने के नाते कि भाई साहब थोड़ा बता दीजिए कि क्या अन्याय हुआ? आप मुझे बताइए, आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता पुलिस के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच चल रही थी उसको रोकने के लिए, तो क्या ये माने कि वो गलत कर रहे हैं? अगर गलत वो है तो कंडेम कर दें इस बात को। वहां पर वो जो मुद्दा उठा रहे हैं कि अन्याय हुआ है या लगता है उनको कि अन्याय होता दिख रहा है, बोलने कहा क्या? ये तो जनप्रतिनिधि का तात्पर्य क्या है दीपक जी, आप मुझे बताइए। हाँ, ये बात जरूर है, इस मुद्दे पे मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम किसी भी प्रकार की जांच में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहते। एक दूसरा, धर्म परिवर्तन से संबंधित जो कानून है, अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल। और लेकिन अगर किसी की सहमति से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है जिसमें सारे कानूनों की को देखा जा रहा है, कानून के अंतर्गत हो रहा है, वहां निश्चित रूप से किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। दो, तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण हो रहा है तभी तो कानून बना है, यदि धर्मांतरण ना होता हो तो कानून क्यों बनता? और उस कानून को बनाने में हम लोग भी हैं, हम लोगों ने भी विधानसभा लोकसभा में बैठ के ऐसे कानूनों को समर्थन दिया है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा कि हम लोग कोई धर्म इस मुद्दे पे कोई राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ऐसा करना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को आके कोई शिकायत करता है कि साहब मेरे को बगैर बात के पुलिस परेशान कर रही है, पूछने का हक है, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दबाव डाला जा रहा है, जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये जनप्रतिनिधि सभी करते हैं। राम कदम जी बताइए, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई बंदा आपके पास आता और बोलता मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप इस आवाज को उठाते या नहीं उठाते? देखिए दीपक जी, ब्रिजमोहन जी ने बिल्कुल सही बात उठाई और अंत में उन्होंने अपने प्रवक्ता का दायित्व का निर्वहन भी किया। वे बोल गए कि राष्ट्रवादी दल करके वो पुलिस के किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान और दूसरी ओर उन्हीं के एक विधायक पुलिस की जांच चलते समय खुले आम से मीडिया को कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है,
इस पे जान बूझ करके इसे अपराधी बनाया जा रहा है, इस प्रकार की बात इन्हीं के विधायक कह रहे हैं। अब दोनों बातें एक दूसरे से कैसे मेल खाएगी? ये तो दोगलेपन वाली एनसीपी दल करके ये बातें हो गई। आप पुलिस को जांच करने दे, जिस प्रकार की पुख्ता जानकारी पुलिस के पास आई है, पुलिस उसके उसकी पूरी तफ्तीश करेगी। तफ्तीश होने के बाद आप कहते हैं विधायक करके वहां पर जाना, यहां तक समझ सकता हूं, पर यह अधिकार नहीं ना, यह जज का अधिकार है। यह अपराधी है या नहीं है यह तय करने का जज का अधिकार है। पुलिस पूरी छानबीन करेगी, छानबीन करके जो भी तथ्य आते हैं कोर्ट के सामने रखेगी। तो आप लोक प्रतिनिधि होने के नाते ये जो लोकतंत्र का ढांचा है, ढांचे के ऊपर तो नहीं हो ना आप, लोकतंत्र के ऊपर हो आप। आपको किसने जज का अधिकार दिया ये दोषी है या दोषी नहीं करार देने का अधिकार? किसी विधायक को, किसी सांसद को नहीं है। ब्रिजमोहन जी भली भांति जानते हैं, पर ये जो सम्मानीय विधायक जी है वे केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए बीच बीच में जानबूझ करके इस प्रकार की बातें उड़ाते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहे, उनके चुनावी इलाके में उनके प्रति एक माहौल बना रहे, एक विशिष्ट समाज जो है उनके प्रति कहे कि ये बहुत भला आदमी है, अच्छा आदमी है, वो कह देते खुले ओर से। अभी बोलते जैसे मैंने कहा कि बोलते गेमिंग ऐप से कुछ नहीं होता, गेमिंग ऐप से लोगों ने जान दी है। अगर जान कोई दे सकता है तो गेमिंग ऐप से कोई धर्म नहीं बदल सकता। मैं ब्रजमोहन जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा अपने थॉट्स को होल्ड करिए, मैं अब्बास हैदर जी के पास चलूंगा। अब्बास हैदर जी, मामला गाजियाबाद पुलिस ने रजिस्टर किया है, गाजियाबाद में ऐसे 5 मामले सामने आए थे सार्वजनिक तौर पर जिनके नाम सामने हैं, बच्चे हैं, हम नाम नहीं दिखा सकते, जाहिर सी बात है। क्या आपको लगता है ये गाजियाबाद पुलिस ने गलत काम किया है बद्दों को गिरफ्तार करके? आपको भी ऐसा लगता है आवार साहब की तरह? दीपक जी मैं आपके चैनल की स्लाइड पढ़ रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि 300-400 बच्चों को टारगेट किया गया। अगर ऐसा किया गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नकारा, उत्तर प्रदेश की एजेंसी इतनी नकारा क्यों है कि उस एक बच्चे के पिता को कंप्लेन करनी पड़ी तब पुलिस को पता चला? पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्यों उन्होंने पहले से इसको पता नहीं लगाया? इनपुट क्यों नहीं थे उनके पास? सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है। दूसरी बात, हमारा मानना है कि वो आरोपी है, न्यायालय में पुलिस को उसके खिलाफ अपराध सिद्ध कराना चाहिए, उसके खिलाफ एविडेंस उपयुक्त कराने चाहिए और सजा कराएं, कोई आपत्ति नहीं है। जो लॉ ऑफ लैंड है अगर उसको कोई भी तोड़ता है तो उसको कठोरतम सजा देनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, उत्तर प्रदेश का जो नकारापन है उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव, इस प्रकार की बातों की चर्चा होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि जो बलात्कार पीड़िता है उनके पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उनके खिलाफ उनकी कंप्लेन ही रजिस्टर की जाती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले चांदी और सोने की लूट कर रहे हैं, यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। पुलिस वाले चोरी की गाड़ियों से चल रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश कानून की व्यवस्था की स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती नहीं है कि इसके ऊपर आपका ध्यान जाए, चाहती नहीं है इसके ऊपर चर्चा हो, तो इस प्रकार की प्रकरण सामने आएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर अपराध हुआ है, कानून की दृष्टि से वो अपराध है, कठोरतम सजा दी जाए, कोई साथ नहीं देगा अपराधी का, इस देश की चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन अपराध और भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जघन्य अपराध हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, आज उत्तर प्रदेश के व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, कोर्ट परिसर में हत्याएं होती हैं तो कहीं जेल में हत्याएं होती हैं, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं देश में, 3700 से अधिक प्रतिवर्ष। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसके बारे में नहीं होगी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार की ध्यान भटकाने वाली एक और ये प्रक्रिया है।